Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुनु जी ने आवेश में आके कर दी थी बड़ी भूल, लेकिन नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत सारी ऐसी आपने कहावतें सुनी होगी जैसे थोथा चना बाजे घना, और ये गुनु जी नाम का जो प्राणी है ये थोथा चना, जरा सी इसको जीत हासिल क्या हो गई, ये आवेश में आके इसने तुकु जी को घेर लिया और तुकु जी को तरह तरह की बातें सुनाने लगा। और आपने देखा कि कैसे कहने लगा कि आप अब तो तुम तो बड़े खुश थे ना कि सब कुछ तुमको सौंप दिया है मेरा, के मुझे ये सजा दे दी, मुझे सब पद से बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि तुम तो खंडेरो के साथ गए थे और उसने खंडेरो ने अपने बाबा साहब से सिफारिश करके तुमको बना दिया। यानी कि पूरी की पूरी कड़पी बातें जो है वो उगलने लगा। तुक्कू जी हैरान परेशान, तुक्कू जी को अभी तक पता भी नहीं था कि खंडेराव के साथ क्या हो गया है। तो यहाँ पे तुक्कू जी कहीं ना कहीं सोचते थे, और ये बात आगे और दो चार बातें वो बकता तो डेफिनेटली तुक्कू जी कहीं ना कहीं हैरान होते और आगे जाके बात करते कि मसला हुआ क्या है। तो क्योंकि ये वही गुनु जी है जो सजा के बाद जिसने बहुत बड़ा ड्रामा किया था और उसने कहा था कि महाराज आपकी क्या गलती है ना, तो मुझसे गलती हुई है इसके लिए मुझे सजा मिली है, और खंडेराव अहिल्या किसी के साथ कितना प्यार से पेश आता था, तो जाहिर सी बात है इसका शक शुबा हो जाता कि भाई ये क्या चक्कर है, ये अचानक से बदल गया। अब गुनु जी के जो है खंडे गुनु जी जो है खंडेराव के जाने के ऊपर तो बड़े बड़ा खुश हो रहा है, भैया के जा रहे हैं तुम्हारे खंडेराव, इस तरीके से बोलता है। तो अचानक धनाजी सरकार, क्योंकि वो पीछे पीछे रहता है कि पता है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं बेवकूफी अपनी औलाद की औकात का पता है कहीं ना कहीं करेगा, वो बीच में कूद पड़ते हैं और कूद के सारी चीज को संभालते हैं और ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मुझे पता है तुम्हें खंडेराव के जाने का बहुत दुख है और इस दुख में सदमे में तुम ऐसी वैसी बातें कर रहे हो और पूरी ये भड़ास तुकु जी के ऊपर तो मत निकालो। और उसके बाद फिर तो तुकु जी तो अभी तक उसी में है कि ये हुआ क्या पहले ये तो बताओ। फिर वो तुक्कू जी को बताता है कि तुक्कू जी बहुत बुरी खबर है, ऐसे ऐसे करके अपने खंडेराव के साथ ऐसा हो गया है, ये सब चीजें तुक्कू जी को बताता है। लेकिन दोस्तों, अगर थोड़ी देर धनाजी सरकार और नहीं आता तो डेफिनेटली ये गुनु जी नाम का जो प्राणी है ये खेला तो खराब कर ही देता। तो क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।